और अब बात करेंगे बेटा हमारी उन इंजीनियरिंग की जो हमारी अब फ्यूज की गई है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टॉप लेवल की चलती है ना, मैकेनिक्स भी हमारी, मैकेनिकल भी हमारी अच्छी है। अब कुछ ब्रांचेस को फ्यूज करके नई ब्रांचेस बनी है, तो मेकाट्रॉनिक्स बेटा, तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये ऐसी ब्रांच है जो हमारी बेसिकली थोड़ी सी रोबोटिक इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा लाई करती है। अब डेफिनेटली बेटा अगर आपको रोबोट क्रिएट करना है तो आपको मैकेनिकल तो आना चाहिए वहां पे, है ना, कैसे उसकी आर्म्स बनेंगी, कैसे वो मूवमेंट करेगा। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग भी लगेगी, उसके अंदर आप माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगाओगे। मैंने आपको बताया जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और माइक्रो कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ अ मशीन, किसी मशीन का जो ब्रेन है वो माइक्रो कंट्रोलर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और हमारा जो हमारा मैकेनिकल हो गया, उनका ये फ्यूजन है। आज की डेट में बेटा आप देखिए बेटा, आपको सब जानते हैं कि हमारी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा वॉर चल रही है, तो आप देखो बेटा वॉर में थोड़ा सा माहौल कितना बदल गया है। जो वॉर बेटा कहां पे हमारे लोगों के साथ जाकर लड़ी जाती थी, आज की डेट में उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो हमारा रोबोट्स आ गया है, ड्रोन्स बन गए हैं, है ना। आपका जो सोल्जर है वो अपने सेफ हाउस में बैठा है और वो ड्रोन भेज रहा है उस तरफ और वहां पे अटैक हो रहा है ना। तो आप देखो ये मतलब जो है इन डिमांड है, वैसे ये इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग मैं जो कह रहा हूँ कि यार वॉर के अंदर यूज हो रहे हैं, बट हाँ जो ट्रेंड है मैं आपको बता रहा हूँ, रोबोट्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं जहां पे जो रोबोट्स हैं वो आपका खाना सर्व करते हैं। आपने देखा होगा बेटा जब कोविड आया था तो लोग रेस्टोरेंट्स में इतना नहीं जाते थे, तो फिर जिन रेस्टोरेंट्स ने अपने आपको मॉडिफाई किया, चेंज किया कि हमारे रोबोट आके आपको सर्व करेंगे, इंसान आपके पास नहीं आएगा आपको खाना सर्व करने, वो चले हैं बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे चले हैं। तो मतलब ब्रांच ये जो है इवॉल्विंग है, और मैंने जैसा आपको बताया कोर ब्रांचेस के साथ साथ अब वो ब्रांचेस बन रही हैं जिसकी प्रोफेशनली इन डिमांड बहुत हाई है, और वो ब्रांचेस जो है वो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली प्रोफेशनली इंप्लॉयबल बनाती है। तो ये इट इज वन ऑफ दोज ब्रांचेस। तो ये हमारी बेटा रहती है कैरियर प्रोफाइल्स, रोबोटिक्स इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम, डेटा साइंटिस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस आपके सामने रहेंगी। और मेकाट्रॉनिक्स के अंदर बेटा डेफिनेटली ये सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन, फैक्ट्री ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सब चीजें बेटा आप इसके अंदर अपना डिटेल में बच्चों पढ़ सकते हैं।